हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर में। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर अब आपको टेली के प्रैक्टिकल वीडियो के साथ साथ वीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के भी प्रैक्टिकल वीडियो मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करना और लेजर क्रिएट करना, ये सब कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों में प्रोफेशनल तरीके से कैसे क्रिएट किए जाते हैं, और टेली और वीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कितना डिफरेंस है कंपनी क्रिएट करते वक्त, स्टॉक आइटम क्रिएट करते वक्त, लेजर क्रिएट करते वक्त, या जो हमारी वाउचर्स की जो ट्रांजैक्शन होती है, परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, पेमेंट रिसिप्ट, कॉन्ट्रा या जर्नल वाउचर, इनमें कितना डिफरेंस होता है। तो ये सब कुछ आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं वीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूं। तो इस तरीके का ये लेआउट, यानी कि इस तरीके का हमारे सामने ये ऑप्शन खुल के आएंगे, कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रांजैक्शन, डिस्प्ले, प्रिंट, ईमेल आदि। तो सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करनी होगी। तो टेली में कंपनी क्रिएट करते वक्त और वीजी में कंपनी क्रिएट करते वक्त कितना डिफरेंस होता है, ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ओपन पे अगर क्लिक करते हैं, ओपन कंपनी, तो हमारे सामने ये सिलेक्ट कंपनी ऑपरेशन के लिए आ जाता है ऑप्शन, भी आप कौन सी कंपनी को ओपन करना चाहते हो, और ये इसी कंपनी में डाटा डायरेक्टरी का ऑप्शन हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। हालांकि इसके अंदर जो डाटा डायरेक्टरी का जो पास सेट किया हुआ है डाटा का, यानी कि जो कंपनी हमारी क्रिएट होएगी वो कौन से लोकेशन पर जाके से होएगी, तो वो उसका लोकेशन जो आ रहा है सी ड्राइव के अंदर एक वीजी विन का फोल्डर है, और वीजी विन के फोल्डर में एक सब फोल्डर है डाटा के नाम से, और उसमें हमारी कंपनी का जो भी रिकॉर्ड रहेगा वो सेव होएगा। हालांकि हमें सी ड्राइव के अंदर कंपनी का जो डाटा होता है वो उसकी जो लोकेशन होती है हमें सेव नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट ज़्यादातर सिस्टम के अंदर, लैपटॉप है चाहे वो डेस्कटॉप है, उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो हमारा विंडो होता है, वो सी ड्राइव में होता है। क्योंकि अगर किसी दिन अगर वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडो हमारी क्रैश हो जाती है तो अगर हमें रीसेट करना पड़े तो हमारा डाटा भी लैप्स हो सकता है, इसलिए हमें सी ड्राइव पर कभी भी डाटा का लोकेशन नहीं रखना चाहिए। हालांकि हम इस पर केवल एक प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, इसलिए हम डाटा को लोकेशन को हम चेंज नहीं कर रहे, वो चेंज कैसे होता है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो अभी हमारे सामने सिलेक्ट कंपनी में कोई भी कंपनी हमें शो नहीं हो रही है, तो इसलिए हमें सबसे पहले कंपनी को क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले मैं कंपनी को क्रिएट पे करूँगा, और यहाँ पर ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे नेम यानी कि कंपनी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम कंपनी का नाम देंगे, जिस कंपनी के हमारी जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसके नाम से, स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी, ये हमारी कंपनी के नाम से एक रजिस्टर्ड है हमारी फर्म का, ये नाम है। आपकी कोई भी कंपनी हो सकती है, वो आप अपने लेवल पे आप देख सकते हो। प्रिंट नेम भी हम स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी ऑप्शन ये रखना चाहते हैं, और उसके बाद इसका अगर शॉर्ट नाम अगर हम रखना चाहें, ये शॉर्ट नाम होगा जैसे स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी, इसका शॉर्ट नाम STC अगर रखना चाहिए तो हम रख सकते हैं S.T.C। उसके बाद हमें कंट्री पूछेगा, इंडिया रहेगा हमारा और स्टेट हमारा रहेगा राजस्थान। अब यहाँ भी जो फाइनेंशियल ऑप्शन जो हमें पूछ रहे हैं, भी आपने जो वर्किंग करनी है वो कौन से फाइनेंशियल ईयर की करनी है, यानी कि जो सेशन आपका 2020-21 का चल रहा है उसका करना है, या आपने जो लास्ट ईयर था 19-20 का उसका करना है। अगर आप 19-20 का सेशन में कोई अकाउंटिंग वर्क मेंटेन करना है तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर ऑप्शन जो हमें दिख रहा है यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे 1 अप्रैल 2019, और उसके बाद में ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है बुक्स कम्युनिकेशन फ्रॉम, यानी कि आपने बुक्स लिखनी कब से शुरू करी है। अगर आपका बिजनेस ओल्ड है, यानी कि आपके 10 या 15 सालों से आपका बिजनेस चल रहा है, तो आप 1/4/2020 है यहाँ पर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जब हम टेली में जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो ये सब कुछ हमें टेली में भी ये सब कुछ पूछता है, लेकिन इसका जो लेआउट का जो डिफरेंस है, इसका जो डिज़ाइन है कंपनी क्रिएट करने का, जो विंडो हमारे सामने खुल के आती है, इसका थोड़ा सा लेआउट चेंज हो जाता है। हालांकि मैं टेली में कंपनी प्रोफेशनल तरीके से कैसे क्रिएट की जाती है इस पर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, और उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा भी टेली में कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, तो वो आप एक बार जरूर देख लें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए।
हम इस पर एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद में हमारी स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी का जो एड्रेस रहेगा वो हमें यहाँ टाइप करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ नियर मेन बस स्टैंड और रायसेनगर। तो इस तरीके से यहाँ पे CIN की कंपनी का इन्फॉर्मेशन हमें नंबर देना पड़े कंपनी का, तो हम दे सकते हैं। हमारा पेन नंबर यहाँ पर रहेगा, हमारे कौन से वार्ड्स के अंदर हमारी इनकम टैक्स की फाइल है वो हम दे सकते हैं, हमारा टेलीफोन नंबर यहाँ पर रहेगा, फैक्स का नंबर है यहाँ पर हम डाल सकते हैं और ईमेल हम यहाँ पर डाल सकते हैं। ये सब हमारा कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आ जाती है। और उसके बाद में ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये आपका जो करेंसी का सिंबल आप किस टाइप का रखना चाहते हो, RRS रखना चाहते हो या RPO रखना चाहते हो, करेंसी रुपीज़ में रहेगी या किस में आप रखना चाहते हो, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे चेंज भी आप कर सकते हो। और इसके बाद जो नया जो करेक्टर हमारा रहेगा करेंसी का इन्फॉर्मेशन रहेगा वो इस टाइप का रहेगा, यानी कि जब भी कोई अमाउंट लिखी होगी उससे पहले इस टाइप का लोगो जरूर लगाएगा। और उसके बाद में इनेबल GST या वेट, अगर आप जैसे आप इस पर इंटरप्रेस करोगे, जैसे हम इस पर इंटरप्रेस करते हैं तो हमें दो ऑप्शन देखने को मिलता है कि आप वेट की अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो या GST की, यानी कि 1 जुलाई 2017 से पहले का अगर आपको अकाउंटिंग वर्क मेंटेन करना है तो आप वेट को सेलेक्ट करोगे, अगर उसके बाद का अगर कोई फाइनेंशियल ईयर आपको अकाउंटिंग मेंटेन कर रही है बाद की तो आप GST सेलेक्ट करोगे। तो मैं GST सेलेक्ट करूँगा। इनेबल सेस, यानी कि हमारे इस कंपनी पर हम किसी भी टाइप का कोई सेस नहीं देते। सेस का मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स देना, कर के ऊपर उपकर, वो हमारा टैक्स लगता नहीं है। और इसके बाद में GST नंबर, यानी कि जो स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी हमने कंपनी क्रिएट की है उस कंपनी का GST नंबर हमें यहाँ पर टाइप करना होता है। हालांकि जब टैली में हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो कंपनी में हमें यहाँ पर कंपनी क्रिएट करते वक्त GST नंबर हमसे नहीं पूछता है, वो हमें टैली में कंपनी क्रिएट करने के बाद, हमें F11 में जाने के बाद, स्टेचरी एंड टैक्सेशन में ऑप्शन पर जाने के बाद हमें GST नंबर देना होता है। और बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तभी हमसे इन्फॉर्मेशन इसकी पूछ लेते हैं। इंटरप्रेस करेंगे, जब भी हम GST नंबर इंटरप्रेस करने के बाद इंटरप्रेस करेंगे डालने के बाद में, तो हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, रेगुलर और कंपोजिशन। और ये ऑप्शन हमें टेली में भी देखने को मिलता है। तो अगर आपकी कंपनी कंपोजिशन है तो आप कंपोजिशन सेलेक्ट करेंगे, अगर आप रेगुलर है तो रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद ये दो ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, डिफॉल्ट टैक्स रेट 1 और डिफॉल्ट टैक्स रेट 2। इसका मतलब क्या हो गया भी, अगर आपकी कंपनी केवल दो टाइप की कोई टैक्स की ट्रांजैक्शन करती है, मान लीजिए अब GST में 5, 12, 18 और 28 यानी कि 4 तरीके के टैक्स लगते हैं और एक आइटम होगी हमारी टैक्स फ्री की, यानी कि कुल 5 तरीके की हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी केवल किसी भी टाइप की दो ही ट्रांजैक्शन करती है, चाहे वो एक टैक्स फ्री या 5% की करती हो, या एक आप 5% और 12% के गुड्स सेल करते हो, या 18 या 28 के करते हो, कोई भी दो रेट ही करते हो, तीसरा कोई भी आप ट्रांजैक्शन यूज नहीं करते हो, तो आप यहाँ पर पर्टिकुलर दो रेट सेट कर सकते हैं। मान लीजिए अब आपकी स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी हम दो ही टाइप के ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि एक तो हम 5% वाले गुड्स परचेज और सेल करते हैं और एक 12% का जो समान गुड्स है जो परचेज और सेल करते हैं, तो हमें डिफॉल्ट टैक्स रेट में हमें पहले में 5% देना पड़ेगा और डिफॉल्ट टैक्स रेट 2 है उसमें हमें 12% देना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी में सभी ट्रांजैक्शन मिक्स टाइप की हो सकती है, यानी कि आप टैक्स फ्री का सामान भी परचेज सेल करते हो, 5 का भी करते हो, 12 का करते हो, 18% वाला भी करते हो और 28% वाला भी करते हो, तो आप इन्हें 0 ही रहने दें, यहाँ पर आप किसी भी टाइप का टैक्स रेट सेट ना करें, आप इसे इंटरप्रेस कर दें। अगर आप दो टाइप के भी टैक्स रेट सेट करते हो तो भी आप इन्हें 0 रख सकते हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने दो टैक्स रेट यूज़ करते हो तो यहाँ पर आपको देना कंपलसरी है। तो इसके बाद हमें ऑप्शन पूछेगा सेव का, तो इसमें हम सेव पर क्लिक करेंगे और ऑप्शन हमारे पास आएगा सेव दिस इन्फॉर्मेशन का, और इसे हम यस करेंगे, तो अब हमारी जो कंपनी है वो अंडर प्रोसेस में यहाँ पर चलने शुरू हो जाएगी। ये 100% भी होते ही हमारी कंपनी है जो क्रिएट हो जाएगी। और जब हम टैली में जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं, क्रिएट कंपनी में ऑप्शन करते हैं, तो सेम वही डाटा जो डायरेक्टरी का जो लोकेशन है वो हमें यहाँ पर पूछ लेता है। और उसके बाद में नेम ऑप्शन, और उसके बाद में यहाँ पे जो मेलिंग नेम है, कंट्री है, स्टेट हमारा है, जो एड्रेस कॉन्टैक्ट डिटेल है वो हमारे से यहीं पूछ लेता है। और सेम वही फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम और बुक बिगनिंग फ्रॉम, यानी कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का आप अकाउंटिंग वर्क मेंटेन कर रहे हो, तो ये सब कुछ आपको यहीं पूछेगा। लेकिन यहाँ पर आपसे GST नंबर और आपका जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन टाइप है वो यहाँ पर नहीं पूछेगा कि आप कंपोजिशन में हो या रेगुलर डीलर हो। और
एक इसमें डिफरेंस ये है कि सिक्योरिटी कंट्रोल जब हम टेली में कंपनी क्रिएट करते हैं तो हमें सिक्योरिटी कंट्रोल यानी कि अगर हमें टेली का पासवर्ड अगर लगाना हो तो हमें स्टार्टअप में यही पूछ लेगा। और बीजी सॉफ्टवेयर में जब हम कंपनी क्रिएट कर लेंगे तो जैसे हम कंपनी क्रिएट कर लेंगे तो इस तरीके का एक हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि भी कंपनी हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो इसे हम ओके करेंगे। और इसमें जो पासवर्ड होता है वो कंपनी क्रिएट होने के बाद हमसे पूछता है, ये ऑप्शन हमारे से यहाँ पर पूछेगा स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी यूजर अथॉरिटी रिक्वायर्ड सुपर, इसका जो सुपर यूजर नेम रहेगा, पासवर्ड रहेगा या रीजेक्ट पासवर्ड रहेगा, वो हमें कंपनी क्रिएट करने के बाद डालना पड़ता है। अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हो तो आप इसे यस रखोगे और यहाँ पर यूज़र नेम आपको देना पड़ेगा। अब मैं यूज़र नेम एक दे देता हूँ 1 और पासवर्ड भी मैं एक बार 1 दे देता हूँ और रीचेक पासवर्ड भी मैं 1 दे देता हूँ। तो इस तरीके से ये मेरी कंपनी है जो क्रिएट हो चुकी है। और उसके बाद अगर हम टेली में यूज़र आईडी और पासवर्ड लगाएं तो हमें यूज सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन है वो यस करना होता है, और सेम वही चीज़ यूज़र नेम पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड हमें टेली में भी पूछता है। तो मैं यहाँ पर भी हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी, और जो इसका एड्रेस था वो सेम एड्रेस हम इसमें भी प्रेस करेंगे नियर मेन बस स्टैंड रायसिंह नगर, और कंट्री हमारा इंडिया रहेगा, स्टेट हमारा राजस्थान रहेगा, यहाँ पर जो हमारा पिन कोड है वो सब कुछ रहेगा, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह। अगर हम पासवर्ड लगाना चाहें तो यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं। और जो वीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमसे पूछी थी, करेंसी सिंबल वगैरह, जो इसका फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज़ वगैरह जो रहेगा, वो सब कुछ यहाँ पर भी हमें पूछेगा, और इसको मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो इस तरीके से हम टेली में भी कंपनी क्रिएट कर लेंगे। लेकिन सही तरीका क्या है उसका वीडियो का लिंक का जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, एक बार उसको जरूर देख लें आप। तो जब बीजी में हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं तो बीजी में कंपनी क्रिएट करने के जस्ट बाद हमसे एक फीचर एंड ऑप्शन का ये विंडो ऑटोमेटिक ही खुल के आ जाती है। अब इसमें अगर हम किसी भी टाइप की अगर कोई सेटिंग अगर हम करना चाहें, अकाउंट संबंधित या इन्वेंट्री संबंधित या GST से संबंधित, तो वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। इन सब फंक्शन का यूज़ कैसे होता है प्रैक्टिकल रूप से, ये सब कुछ आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा। तो ये तो था हमारा कंपनी क्रिएट करने का प्रोसेस। जब हमारी कंपनी क्रिएट हो जाती है तो उसका जो नाम है वो स्टार्टिंग पे ऊपर टाइटल बार पे इसका नाम लिखा हुआ जाता है स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी, और इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2020-21 का है। और जब हम टेली में कंपनी ओपन करते हैं तो जो टेली में जो कंपनी का जो नेम होता है जो प्रेजेंट टाइम में ओपन रहती है उसका जो नाम है वो यहाँ पर एक साइड में आता है। तो कुछ एक लेआउट का हो सकता है लेकिन डिफरेंस आपको खुद को पहचानना होता है भी कौन सा ऑप्शन हमें बिजी या टेली डिटेल में मांग रहा है। आपको ये नहीं है आप इंटरप्रेस करते करते आप आगे बढ़ते जो आपने कुछ सारी चीज़ें मिस कर दी। आप जब भी आप इंटरप्रेस करो जहाँ पे भी आपका कर्सर जाए आप उस चीज़ को समझो भी ये टेली सॉफ्टवेयर है या बिजी सॉफ्टवेयर है या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है, ये क्या इन्फॉर्मेशन हमारे से मांग रहा है, वो इन्फॉर्मेशन हमें डालनी अभी कंपलसरी है या नहीं है। अगर कंपलसरी है तो वो आपको देना जरूरी हो जाता है। और इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो हमें यहाँ पे पता चलता है करंट पीरियड 1/4/2020 से लेकर 31/3/2021 का, और बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये स्टार्टअप पे हमें यही पता चल जाता है यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का यहाँ पर ओपन हुआ हुआ है। तो उसके बाद में बीजी में कंपनी क्रिएट करने के बाद सबसे पहले हमारा जो काम रहेगा वो लेज़र बनाने का। तो लेज़र बनाने के लिए हम सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन पर जाएंगे जो स्टार्टिंग में इसके जो मेन्यू बार इसके बने होते हैं टेली में, हालांकि वो सीधा वर्टिकल टाइप में होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद ऑप्शन आएगा फर्स्ट मास्टर्स का, हम इस पर मास्टर्स पे क्लिक करेंगे, और मास्टर्स पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा अकाउंट्स का, और हम अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे, और सेम ही ऑप्शन हमारा टेली में भी रहता है लेज़र क्रिएट करने का। तो सबसे पहले ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ये भी हमारे पास एक मास्टर्स का ऑप्शन है, और मास्टर्स में ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है। जब हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर इंटरप्रेस करते हैं तो लेज़र्स पर आते हैं, और जैसे लेज़र्स पर क्लिक करते हैं तो ये तीन ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। क्रिएट का मतलब नया लेज़र बनाना, डिस्प्ले का मतलब भी आपने जो लेज़र बना सके हैं उसको देखना, और अल्टर का मतलब उसमें किसी भी टाइप की अगर कोई एडिटिंग करनी हो, किसी भी टाइप का कोई संशोधन करना हो तो उसमें अल्टर कर सकते हैं हम, यानी कि एडिट बोल सकते हैं इसे भी। और सेम वो ऑप्शन हमें बीजी में भी देखने को मिल रहे हैं एड, मॉडिफाई और लिस्ट।
ऐड का मतलब क्रिएट यानी कि नया जोड़ना, मॉडिफाई का मतलब उसमें किसी भी टाइप की अगर आपने कोई गलती रह गई हो या कोई एडिशन आपने करना हो तो मॉडिफाई कर सकते हैं। और लिस्ट का मतलब हो गया डिस्प्ले, यानी कि जो आपने लेज़र बनाया है उसकी आप लिस्ट देख सकते हो कि कौन कौन से लेज़र आप अभी तक बना चुके हो। तो टैली और बिजी में एक डिफरेंस ये भी होता है कि जब हम टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं तो टैली सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट दो लेज़र ऑटोमेटिक क्रिएट कर देती है, केस और प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का। और जब बिजी में जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो बिजी काफ़ी सारे लेज़र है जो क्रिएट कर देती है। ये देखो इतने सारे जो हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं ये सारे के सारे लेज़र है जो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे हम कंपनी क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिक ही क्रिएट करके दे देगी। इसमें SGST, CGST, IGST के कंप्यूटर्स के आप देख रहे हो ये सब कुछ, लेबर, ऑफिस इक्विपमेंट, लीगल एक्सपेंसेस, यानी कि जो एक बिजनेस में रूटीन के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके सभी के हेड यहाँ पे बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्रिएट करके दे देता है। यानी कि जितने एक्सपेंसेस हमें बनाने तो पड़ेंगे तो वो ऑलरेडी बना के हमें दे देते हैं। लेकिन अब आप ये चीज़ कहोगे बिजी सॉफ्टवेयर तो बहुत आसान है टैली के बजाय, हमें लेज़र बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप अकाउंट्स के बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हो, अगर आपको अकाउंट्स का अभी तक नॉलेज नहीं है तो आपको सबसे पहले शुरुआत जो टैली सॉफ्टवेयर से ही करनी चाहिए। ये सॉफ्टवेयर आपको जब ये जो रेडीमेड आपको जो लेज़र्स आपको बना के दे दिए, जो अकाउंट्स के जो ग्रुप वगैरह आपने क्रिएट करके दे दिए, तो इसका बेनिफिट हम तभी उठा सकते हैं अगर इन अकाउंट्स के बारे में या इन लेज़र्स के बारे में हमें अच्छी तरीके से जानकारी है। तो यानी कि कौन सा लेज़र हम क्रिएट कर रहे हैं तो वो किसके अंडर ग्रुप में जाना चाहिए, तो इसकी जानकारी हमें पहले होनी कंपलसरी है। अगर आप अकाउंट्स के परफेक्ट हो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है बिजी, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर जो लेज़र होते हैं वो क्रिएट किए हुए होते हैं ऑलरेडी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमारा केवल मकसद था बिजी और टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करते वक्त और लेज़र क्रिएट करते वक्त दोनों में कितना डिफरेंस होता है, यानी कि केवल और केवल बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का एक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम टैली में और बिजी में लेज़र कैसे क्रिएट किए जाते हैं, तरीका क्या है उनका, स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट की जाती है उसका सही तरीका क्या है, और जो अकाउंटिंग वाउचर्स की जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन हम किस तरीके से करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम ये सब चीज़ को सीखेंगे, और जब तक आप इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी आप ज़रूर प्रेस कर लें।